टायर पूरा घसीट रखा है रोड पे और पूरा एक्सीडेंट हो जाएगा। सो गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग कुछ हटके है और हम जा रहे हैं आज देहरादून हरिद्वार से, क्योंकि मुझे अपने डब्बू को दिखाना था। डब्बू काफ़ी बीमार है, ये रहा मेरा डब्बू। हेलो डब्बू, डब्बू को दिखाओ। ये डब्बू है हमारा और इसका पेट फूल रहा है और पेट फूलने से दिक्कत ये हो रही है कि ये अभी 2-3 दिन से खाना भी नहीं खा पा रहा है। यहाँ हमने लोकल में डॉक्टर को दिखाया था तो उसने बताया कि ट्यूमर है, बट अल्ट्रासाउंड यहाँ कहीं नहीं मिला हमें। पूरे हमने हरिद्वार में ढूंढा, रुड़की ढूंढा और काफ़ी जगह पता किया तो जब कहीं नहीं मिला। काफ़ी 15 दिन हो गए। तो कल हमने फेसबुक पर डाला कि भाई किसी को अगर अल्ट्रासाउंड पता है, एनिमल अल्ट्रासाउंड कहाँ होता है तो हेल्प करें। तो कल कमेंट बॉक्स, बहुत सारे कमेंट बॉक्स आए और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारी हेल्प की। तो देहरादून में एक है क्लिनिक वेट मेडिक करके, तो आज हम वहीं जा रहे हैं देहरादून। और आज मौसम भी बड़ा मस्त हो रखा है अगर आप देखें तो। चलिए तो आज वहाँ चलते हैं डॉक्टर के पास और डब्बू का कराते हैं अल्ट्रासाउंड। डब्बू का अल्ट्रासाउंड कराने के बाद पता लगेगा इसको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। काफ़ी दिन से मेडिसिन तो खा ही रहा था, हम रेगुलर मेडिसिन खिला रहे थे बट कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रही थी। अब ये थोड़ा सा थक चुका है और सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पाता है, अगर ऊपर जाना हो तो गिर जाता है। बाकी चलो आज मिलते हैं फिर देहरादून पहुँच के कुछ रास्ते का, और मौसम मस्त हो रखा है आज, रास्ते का व्यू देते रहेंगे आपको। और वहाँ पहुँच के क्लिनिक पे आपको रिपोर्ट दूंगा क्या हुआ है डब्बू को, क्या नहीं हुआ और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, वो सारी बातें मैं अभी आगे चल के आपको बताऊँगा। अभी हम रुके थे रास्ते में तो डब्बू को थोड़ा सा टॉयलेट कराना था और हमने टॉयलेट करा दिया है। हाईवे पे गाड़ी साइड में लगाकर डब्बू थोड़ा फ्रेश हुआ, थोड़ा सा टॉयलेट हुआ क्योंकि काफ़ी देर से बैठा हुआ था और परेशान भी हो रहा था टॉयलेट के लिए। तो चलो बीच में थोड़ा सा एक ब्रेक भी मिला, डब्बू भी थोड़ा सा गाड़ी से बाहर निकल कर घूम लिया और फिर से चलते हैं देहरादून की ओर। चलिए गाड़ी में बैठते हैं। पहुंच गए हम देहरादून पेट मेडिक पर। चलिए अब डब्बू को लेकर चलते हैं वहां पे, मिलते हैं फिर। गाड़ी आ रही पीछे। चलिए दोस्तों फिर चलते हैं क्लिनिक के अंदर। तो अभी चलते हैं क्लिनिक के अंदर, देखते हैं क्या होता है। दवाई लेना है, ट्रीटमेंट कराना है। उधर देख उसका भी हो रहा है, वो अभी ट्रीटमेंट करा रहा है। तेरा भी हो रहा है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर डब्बू की ट्रिमिंग हो रही है, पेट के बाल साफ किए जा रहे हैं ताकि अल्ट्रासाउंड किया जा सके। तो भैया ट्रिमिंग कर रहे हैं और काफ़ी आराम से, अभी तो लेटा हुआ है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों यहाँ पर ये बिल्ली का अल्ट्रासाउंड हो रहा है, इसी तरह से डब्बू का भी होना है। अभी डब्बू का अल्ट्रासाउंड हो चुका है और
डब्बू के पेट में पानी है काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, अभी उसका ऑपरेट कराएंगे और यहाँ से अभी हम दवाई ले रहे हैं, डॉक्टर साहब ने दवाई लिख दिया है। और ये रहा डब्बू अपना, और अब डब्बू की जाएंगी ब्लड रिपोर्ट दिल्ली, ये डॉक्टर बैठाने के लिए। और ये किसी ने देखो डॉग्स को बैठाने के लिए कितना बढ़िया सेटअप बना रखा है। स्कूटी में आप चाहें तो खुद अपने डॉग्स को इस तरह से बैठा के ला सकते हैं, ये एकदम बढ़िया सेटअप लगा मेरे को स्कूटी के साथ में। इन्होंने भी सेंट बर्नार्ड के लिए ही बनाया है, जैसे कि अपना ये सेंट बर्नार्ड डब्बू। तो अब करते हैं बाय बाय, ये सामने डॉक्टर कंसल्ट कर लिया है, अब चलते हैं अपने घर को। और ये जगह है देहरादून में, चलो बाकी अब गाड़ी में मिलते हैं आपको, घर चल के मिलता हूँ फिर, कुछ रास्ते के शॉट्स दूंगा। और डब्बू का अल्ट्रासाउंड तो हो ही चुका है, डब्बू ये बैठा, चलो देखते हैं फिर बाकी। आप देखता अभी रिपोर्ट दिखाऊंगा, अल्ट्रासाउंड भी दूंगा, देखते हैं अल्ट्रासाउंड में आपको बताऊंगा क्या क्या प्रॉब्लम निकली है डब्बू में, तो वो सब चीज़ें अभी वीडियो में अटैच करूँगा। दोस्तों ये मंदिर है मणिमाई मंदिर, तो मणिमाई मंदिर बोलते हैं, यहाँ पे आपको अक्सर भंडारा चलता हुआ दिखाई दे जाएगा माता रानी का, यहाँ इनका मंदिर वो रहा और यहाँ हमेशा ही भंडारा आपको मिल जाएगा। अगर आप भी कभी यहाँ से गुजरे तो ज़रूर प्रसाद लें। यहाँ चल रहा था भंडारा भाई, यहाँ भंडारा खाया माता रानी का, और भंडारा खाने के बाद चलिए अब यहाँ से चलते हैं हरिद्वार के लिए, पेट भी भर चुका है। माता रानी का भंडारा प्रसाद जो था वो छक लिया हमने, अब चलते हैं हरिद्वार के लिए। डब्बू को पूरी दी थी मैंने, उसने खाई नहीं है, चलो। ट्रक का टायर फट चुका है और इसको ये नहीं पता कि मेरा टायर भी फट चुका है, और ऐसे ही चला रहा है, देखो पूरा खसी कैसे टायर पूरा घसीट रखा है रोड पे, और पूरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैंने बता भी दिया तब भी नहीं रुक रहा ये बंदा, ये देखो कैसे घसीट रखा है इसने। वो लटका पड़ा है सारा। गाइस हम लोग पहुंच गए थे घर, तो चलो मैं इसका आपको अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखा देता हूँ कैसी है और उसमें क्या है, और ये कुछ टेस्ट लिखे थे जिसमें टेस्ट हैं, ये लिक्विड प्रोफाइल टेस्ट है, ब्लड मतलब जिसको पीसीआर बोलते हैं, सीबीसी एलएफटी केएफसी जो भी है पढ़ लेना आप वीडियो पॉज करके, और ये उसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ये है हमारे। तो ये उसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, और 3 पेज की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है। आप अगर किसी को पता है कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स कैसे पढ़ी जाती है तो वो पॉज करके वीडियो को पढ़ लेना, क्योंकि भाई हमें तो आती नहीं है। डॉक्टर ने बताया कि इसके पेट में पानी भरा हुआ है, और ये कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं, ये जितना ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है ये उसके पेट में पानी है। बाकी चलिए देखते हैं, अभी कल को उसकी बाकी ब्लड रिपोर्ट आ जाएंगी सारी, और फिर देखते हैं क्या करना है, डॉक्टर बताएंगे। ये जितना ब्लैक ब्लैक आपको इसमें दिखाई देगा ये सब पानी भरा हुआ है उसके पेट में, ये ऑर्गन्स है तो ऑर्गन्स तो उसके ठीक है, ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो वीडियो करते हैं यहीं समाप्त, अगली रिपोर्ट जब आएगी तब आपको बताएंगे क्या रिपोर्ट में आया है, क्या करना होगा। चलो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, थैंक यू। Don't forget to like, comment, and subscribe.